हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी, अपने जीवन के एक अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसका टॉपिक है अथॉरिटी। अब जब कोई इस अथॉरिटी वर्ड को पढ़ेगा तो कुछ को तो कुछ समझने नहीं आने वाला, लेकिन कुछ लोगों को अथॉरिटी सुनते ही समझ में आ जाएगा कि अथॉरिटी का क्या मतलब है। सो मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़, यानी कि रहस्यमय एक्सपीरियंस की सीरीज़, जिसमें कि मैंने काफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर करे हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आए हैं, वो सारे मेरे जीवन यात्रा के अलग अलग मतलब पड़ाव रहे हैं, अनुभव रहे हैं, उनको मैंने शेयर किया तो देखा कि आप लोगों को बड़े अच्छे लगे, तो मन किया कि इस चीज़ को भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो पहले हम अथॉरिटी को समझते हैं, अथॉरिटी होता क्या है। तो अथॉरिटी मतलब हमारे फादर, अथॉरिटी मतलब हमारा जो ख़ानदान है उसमें जो सबसे बड़े, जैसे हमारे दादा, या अथॉरिटी मतलब हमारे घर के मम्मी पापा, फादर मदर, ठीक है। अथॉरिटी मतलब जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ के MLA, मिनिस्टर्स, जहाँ से भी हम जगह पे रहते हैं। अथॉरिटी मतलब हम जिस ऑफिस में काम करने जाते हैं वहाँ के जो हमारे बॉस, VP, CEO। अथॉरिटी मतलब एंजल्स, देवदूत, भगवान, परमात्मा, अथॉरिटी। तो आज इन्हीं को लेके मेरा ये वीडियो है। मैंने क्या नोटिस करा अपनी ज़िंदगी में, मुझे एस्ट्रोलॉजी पहले नहीं आती थी, इंटरेस्ट मुझे था पर टाइम नहीं था भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने का, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें ही ख़त्म नहीं होती थी, तो इनके अपने जो मेन चीज़ें हैं उन पर ध्यान ही नहीं जाता था, कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़े। अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो बस यही चल रहा है कि सीखो और बस इनके ऊपर रिसर्च करो, और जो भी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है और फिर आप और सीख रहे हो उन चीज़ों को। बट पहले नहीं पता था, बट इंटरेस्ट तो डेफिनेटली था। तो कुंडली में भी एक हाउस होता है, 10th हाउस, जो कि अथॉरिटी का हाउस होता है, फादर का हाउस होता है, परमात्मा का हाउस होता है, जो आपके बॉस होते हैं उनका हाउस माना जाता है इसे। सो बेसिकली मैंने ये नोटिस करा कि चाहे मेरे जीवन में कितने भी सामने जो लोग रहे हैं, बड़े राहू मेरे जीवन में मिले हैं हमेशा से, बड़े राहू वाले मतलब जिनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, जो मुझसे बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी के लोग हैं। हालांकि इन लोगों से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं मैं भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड हूँ, शुरू से ही अकेला रहना और लोगों को ऑब्जर्व करना, बट कहीं ना कहीं फिर मैं बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं ये जो राहु टाइप के लोग हैं, जो ज़्यादातर 95% लाइफ में मेरे को जितने भी लोग आज तक मिले हैं, सभी डिज़ायर वाले, सभी किसी ना किसी चीज़ की लेके या तो एडिक्टिव है या ऑब्सेसिव हो रखे हैं, ऐसे ही लोगों से मेरा दोस्ती में, क्लाइंट्स में नाता पड़ा है। तो चलो, अब तो फिर भी मैं थोड़ा बैलेंस हो गई हूँ, तो मेरे को अब इन लोगों के साथ हैंडल करना आता है, इनको समझाना भी आता है। बट एक समय था जब मेरे को नहीं था बैलेंस उस तरीके का, तो मैं क्या करती थी, बार बार मुझे जैसे जितने भी लोग सामने से आपको जितने भी लोग मिल रहे हैं उनकी तरह से हमेशा से मुझे दुखी मिलते आए हैं, ठीक है। तो परंतु मैंने एक नोटिस करा कि चाहे जो मेरे साथ के लोग हैं, चाहे वो दोस्तों के लेवल पे हों, काम करने वाले हों, चाहे वो उन्होंने चाहे दुख दिया हो, शुरू में बड़ी अच्छी दोस्ती की हो, बाद में जो अपने रंग रूप दिखाए हों, अपना राहु एटीट्यूड दिखाया हो, अपनी अपना ऑब्सेसिव साइड दिखाया हो, अपना एक डिमोनिक साइड दिखाया हो, अपना एक सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड नेचर दिखाया हो, परंतु मैंने ये दिखा है जो ये अथॉरिटी है, मतलब जैसे मुझे हमेशा से मैंने नोटिस करा कि अथॉरिटी लेवल पर बड़ी मदद मिलती आई है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मतलब मेरे फादर मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे को गुड़िया नाम रखा था मेरे पापा ने मेरा, और मतलब मुझे कभी, चाहे वो मम्मी से कितना भी लड़ रहे हो, चाहे घर में कितना भी डार्कनेस का माहौल बना रखा हो, बट मेरे फादर जो थे वो हमेशा से मुझे बहुत प्यार करते थे। तो घर का मेन सदस्य है, यानी कि अथॉरिटी है, हमेशा से मैंने देखा कि उनका जो है बहुत अनकंडीशनल लव मुझे मिला, ठीक है। फिर मैंने ये देखा में कि जैसे मेरे जो मतलब हमारा जो कुटुंब है, खानदान है, उसमें भी जो मैंने देखा मेरी दादी थी, तो उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मिला। फिर मैंने देखा कि जब भी मैं कहीं काम पे जाती थी किसी ऑफिस में,
तो चाहे शायद मुझे वो काम इतने अच्छे तरीके से ना आता हो, चाहे मेरे साथ वाले बड़े राहु टाइप के बिहेव करते हों, लेकिन मैंने देखा कि जो मेरे बॉसेस रहे हैं, जो मेरे सीनियर्स रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काइंड और सपोर्टिव रहे हैं मेरे साथ। चाहे वो और लोगों के साथ इतने काइंड और सपोर्टिव ना रहे हों, पर मेरे साथ मैंने देखा कि हमेशा से एक बहुत ही सपोर्ट निकल के उन लोगों का आता था। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2008 में, आई रिमेम्बर मेरी मैनेजर, AVP, इवन जो सेंट्रल हेड थी, वो कुछ इस तरीके का प्यार मुझे दिखा रही थी उस वक्त वो लेडीज़ की, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि सीनियर लेवल पे कोई आपको इतना भी ज़्यादा, मतलब अथॉरिटी लेवल आपको इतना ज़्यादा प्यार कैसे दे सकते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। फिर जब मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई शुरू में, और जब मुझे शुरू शुरू में बॉडी पेन स्टार्ट हुए और बहुत ज़्यादा सपने आने लग गए, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा हावी होने लगा, तब भी मैंने देखा कि मुझे एकदम से एंजेलिक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, यानी कि फिर से मुझे अथॉरिटी का जो है मदद मिलनी शुरू हुई। सो, मैंने ना इन सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया कि ये कैसे हो रहा है कि जितने लोगों से मैं दुनिया में मिल रही हूँ वो तो बड़ी राहु प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, लेकिन इतने राहुओं के साथ डील करने कभी दोस्ती में और जाने कैसे कैसे, बट फिर भी मुझे जो है एक अथॉरिटी लेवल का सपोर्ट हमेशा से मिलता आया है। घर में फादर की तरफ से, खानदान में जो है दादी की तरफ से, ऑफिस में सीनियर CEO बॉस या जो मेरी मैनेजर्स रही हैं उनकी तरफ से, और जब मेरी अवेकनिंग हुई तब मुझे एंजल्स का और परमात्मा का इतना अनकंडीशनल सपोर्ट मिला। मतलब कि कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं देखती हूँ कि उनको भी गाइडेंस आती है कहीं ना कहीं कि इनके पास जाओ, लेकिन मेरे टाइम पर जब कोई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी तब सिर्फ एंजल्स का मैसेज मिलता था मुझे कि हेल्प टू डिवाइन, डिवाइन विल हेल्प यू इन योर जर्नी, हेल्प टू डिवाइन, डिवाइन विल हेल्प यू, एंड आई वाज सरप्राइज दैट टाइम कि क्या हो रहा है, ये किस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या होने वाला है मेरी लाइफ में जिसके लिए मुझे इस तरीके की गाइडेंस आ रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। एक बार याद है मैं किसी के ऊपर गुस्सा करने वाली थी 2019 में, और मैं कहीं थी और वहाँ पे एकदम से मुझे सामने एक पिक्चर दिखाई दी जिसमें लिखा था थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू एनीथिंग, एंड आई वाज लाइक हैरान कि ये क्या है, मतलब कौन है ये जो मुझे इतना, मतलब कहीं ना कहीं से इतनी सपोर्ट और इतना वो मिलता है। बाद में जब मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया तब मैंने देखा कि मेरा जो 10th हाउस है उसमें राजयोग है, तो 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कर्मा, और कर्म के हाउस में जो है राजयोग होना, तो वहाँ से मुझे समझ आया कि इसीलिए शायद मेरे को जो है जो कर्म का हाउस होता है वो अथॉरिटी का हाउस होता है, यानी कि परमात्मा, पिता, आपके बॉसेस का हाउस होता है। तो यहाँ पे मुझे समझ आना शुरू हुआ कि अच्छा, इसीलिए जो है मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता आया है, चाहे पता नहीं मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, पर मुझे सपोर्ट मिलता आया है हमेशा। पिता का इतना प्यार, दादी का इतना प्यार, और ना केवल दादी का, भी मेरे जो घर में सबसे बड़े मेरे ताऊ जी थे, उनका नाम शिव था, उनका मुझे बहुत प्यार मिला। और जब मैं किसी भी ऑफिस में, आई रिमेम्बर मैं एक बार ऑफिस में गई थी नोएडा, तो मुझे इतना अच्छी तरीके से काम नहीं आता था, तो मैंने देखा कि उस दौरान हमारे एक, मेरी एक मैनेजर थी मेघा करके, उसने इतना अनकंडीशनल मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, और उसके बाद एक VP आए जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था, उन्होंने भी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मेरा पूरा रास्ता ही स्मूथ कर दिया उन्होंने कि अब तुम्हें आगे कभी परेशानी नहीं होगी। और वैसे ही मैंने सेम टू सेम स्पिरिचुअल जर्नी पे भी नोटिस करा कि जैसे ही मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई वैसे ही मुझे एंजेलिक हेल्प मिलनी शुरू हो गई। तो कैसे हुआ मैं पहले तो समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आना शुरू हुआ है कि जो कुंडली में 10th हाउस होता है, हाउस ऑफ कर्मा, हाउस ऑफ अथॉरिटी, हाउस ऑफ परमात्मा, हाउस ऑफ फादर, हाउस ऑफ बॉस, है ना, तो यहाँ से मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ये हाउस क्योंकि इतना, मतलब स्ट्रॉन्ग है, राजयोग वाला है, तो यहाँ इसी की वजह से मुझे इतनी हेल्प जो है मिलती आई है। अपने आप लोग भी अपने इस हाउस को चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, कौन सा योग है, या कोई राहु टाइप का प्लैनेट तो नहीं है यहाँ पे, आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं काफ़ी लंबे अरसे से मतलब महसूस करती थी कि चाहे ज़िंदगी कैसी भी रही है और चाहे मैं मेरे जैसे ज़िंदगी में जितने भी लोगों से बड़े धोखेबाज किस्म के और चीटर और बैक बिचिंग करने वाले रहे हैं, कितने भी बुरे रहे हैं,
और चाहे मैं कितनी भी इनकी हेल्प कर लूँ, पर पीछे से इन्होंने वही अपना राहु एटीट्यूड दिखाना है। बट एंड ऑफ द डे मैं देखती हूँ कि हमेशा 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 मुझे एक सपोर्ट सिस्टम बना रहा है हायर एनर्जीज़ का, हायर लेवल का या अथॉरिटी लेवल का। तो अब जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान में आने लगी हूँ, चीज़ों की डिटेल में जाने लग गई हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी सीखने लग गई हूँ या फिर थोड़ा समझने लग गई हूँ हल्का हल्का चीज़ों को, तब मुझे पता चला कि ये परमात्मा का सपोर्ट है, ये पिता का सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ शायद ठीक ठाक किया होगा, तभी इस वजह से इस तरीके की हेल्प जो है मिल पाई। और तो बस ये चीज़ ही थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है आपके साथ कि आपको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हायर एनर्जी से, हायर लेवल से, या फैमिली में जो सबसे बड़े हैं उनकी तरफ से, या आपके साथ भी फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तो पर आपके पास कुंडली नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आपका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएंगी लाइफ में। बट अगर इस तरीके का सपोर्ट है आपके पास कि आपको हमेशा से सीनियर्स ने, अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनका बहुत ज़्यादा हेल्प रिया मिला है आपको पूरी लाइफ अपने, तो आप ये समझ लो कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पग पग में आपको गाइडेंस मिलती रहेगी पूरी ज़िंदगी भर, आप कभी भी नहीं भटकोगे। अगर आप भटक भी गए तो भगवान खुद आपका हाथ पकड़ के जो है ना, या कोई ना कोई एनर्जीज, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपके पास आएगा जो आपको वापस ट्रैक पे लाके खड़ा कर देगा, सही रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। तो बस मिस्टीरियस मैंने इस कहानी को इसलिए कहा क्योंकि पहले तक जब तक मुझे पता नहीं था, जब तक मुझे एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत नहीं पता, जब तक मुझे कोई रहस्यमय ही लगती थी कि ये क्या हो रहा है, ऑफिस में मुझे तक काम नहीं आता लेकिन मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझे इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, CEO VP इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली भी जब मैं थोड़ा परेशान थी, जब मेरी अवेकनिंग हुई, तो मेरे को डिसाइड किया कि भाई मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है, मुझे किसी ऐसी जगह काम करना है जहाँ पर थोड़ी चहल पहल रहती हो। तो मैंने एक होटल को ज्वाइन किया था, मार्केटिंग टीम, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जो मेरे सीनियर्स थे वो मुझे मतलब इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ इतने टैलेंटेड लोग ऑलरेडी भरे हुए हैं लेकिन वो लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे काम को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा देखा कि जैसे मेरे फादर बिहेव करते थे मेरे साथ कि मैं थोड़ा सा भी अच्छा काम कर दूं, अरे अप्रिसिएशन इतनी भर भर के मिलती थी बचपन में, वैसे ही मैं देखती थी कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रही हूँ तो जो मेरे अथॉरिटी लेवल्स हैं वो मेरी कुछ इस तरीके से तारीफ़ें कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कौन सा काम कर दिया हो लेकिन पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, बट प्यार मुझे इस तरीके का मिलता आया है हमेशा। हाँ, बट जो जीवन का ये वाला क्षेत्र है ना, ये जो जिसमें आप जो ये 7th हाउस वाला जो सिस्टम होता है जहाँ पे कि आप अपने सामने वालों से मिलते हो, अपने ओपोनेंट से, दोस्तों से, पार्टनर से, ये वाला हिस्सा मेरा थोड़ा कमज़ोर है। इसी की वजह से मुझे ज़्यादातर लोग मेरी लाइफ में जो है ना वैसे टाइप के मिलते हैं, धोखेबाज, चीटर, बैक बिचिंग करने वाले या फ्रॉड्स, इस टाइप के लोग मिलते आए हैं क्योंकि वो उसमें राहु है ना इसलिए तो बट अभी थोड़ा मुझे बैलेंस करना आया है, बिकॉज जब आप बैलेंस करना सीख जाते हो तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो बस यही थी मेरे दिल की एक कहानी, मेरा मन था मैं आपके साथ अथॉरिटी को जो है शेयर करूँ। आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि घर का जो बड़ा है या कुटुंब के जो बड़े हैं या ऑफिस के जो सीनियर्स हैं या कहीं पे भी जो है, या एंजल्स, इस तरीके का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता आया है? अगर है तो मुझे बताना, इसका मतलब आपका 10th हाउस जो है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कर्म का हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा। ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।